एक्चुअली क्या है कि सिंघम अगेन को स्क्रीन ज़्यादा मिला है और भूलभुलैया को स्क्रीन कम मिला है, इसके वजह से आपको लगता है कि बिजनेस उनका ज़्यादा है। बट तो एक वीक के बाद ही पता चलता है कि मूवी कौन सी मूवी आगे रेस में है। 12-15 का अभी भी हाउसफुल है, 3 बजे का भूलभुलैया वो भी हाउसफुल है, 6 बजे का सिंघम है वो भी हाउसफुल है, नाइट में आपका भूलभुलैया वो भी हाउसफुल है। जो थी उस मूवी को मंजुलिका का लेकर तो पब्लिक आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को लेकर रिस्पॉन्स आ रही है। और सिंघम में भी फैमिली है, 50-50% सिंघम में है, यंग जनरेशन ज़्यादा है इसमें, फैमिली कम है, ठीक है, बट भूलभुलैया में फैमिली ही है और यंग भी है। तो नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो दो बड़ी फिल्में जिनकी चर्चा कल से ही हो रही है, कारण है कि बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े बैनर की फिल्म आई है, भूलभुलैया 3 और सिंघम अगेन, और दोनों का ही प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से हो रहा है, दर्शक भी सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए रीजेंट थिएटर के मैनेजर संजीत पांडे जी मौजूद हैं। सर, कल भी हमने आपसे बातचीत की थी, हालांकि अगर कलेक्शन की बात की जाए तो सिंघम का कलेक्शन ज़्यादा और लोग हम देख रहे हैं कि थिएटर्स में सिंघम देखने के लिए ज़्यादा पहुँच है, लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, दोनों ही फिल्में क्योंकि इस थिएटर में लगी हुई है तो दोनों ही फिल्मों को लेकर क्या आकलन कर रहे हैं आप? देखिए, दोनों का आकलन सही है। आप जो बोल रही हैं कि उसका सिंघम अगेन का, एक्चुअली क्या है कि सिंघम अगेन को स्क्रीन ज़्यादा मिला है और भूलभुलैया को स्क्रीन कम मिला है, इसके वजह से आपको लगता है कि बिजनेस उनका ज़्यादा है। बट आप जब कुछ दिन के बाद सब देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा किसका कलेक्शन ज़्यादा है और किसका कलेक्शन कम है। तो एक वीक के बाद ही पता चलता है कि मूवी कौन सी मूवी आगे रेस में है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ दोनों मूवी का रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी भी आप 12 बजे का शो है, 12-15 का अभी भी हाउसफुल है, 3 बजे का भूलभुलैया वो भी हाउसफुल है, 6 बजे का सिंघम है वो भी हाउसफुल है, नाइट में आपका भूलभुलैया वो भी हाउसफुल है। तो हम किसको माने कि वो कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत है, ऐसे तो आकलन नहीं होगा, ये आकलन एक हफ्ते के बाद होगा। ठीक है, वो तो वीकली रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन जितना उम्मीद दर्शक लेकर के आए थे, जितनी उन्हें उम्मीदें थी भूलभुलैया से, क्योंकि जो भूलभुलैया उन्होंने अक्षय कुमार के समय में देखी है उसके बाद थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और विद्या बालन भी इस फिल्म में आई थी तो दर्शक थोड़े निराश होकर के कल नज़र आ रहे थे कि जो सोच कर हम आए थे, जितना एक्साइटमेंट हमें भूलभुलैया को लेकर के था वो थोड़ा कम लोगों में देखने को मिला। ऐसा कुछ नहीं है, और आपसे कल भी बोले थे कि जिस टाइप का मिठाई होता है ना उसका स्वाद ऐसा ही होता है। आप सोचिएगा कि अक्षय कुमार भूलभुलैया 1 में थे, 3 में नहीं है, तो देखिए हर वर्ग का लोग का हर अपना अपना नज़रिया होता है। तो कल हम भी अपने, जैसे हम लोग भी अपने ऑफिस के लिए हम लोग रिव्यू लेते हैं, लेकिन पब्लिक जो थी उस मूवी को मंजुलिका का लेकर तो पब्लिक आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को लेकर रिस्पॉन्स आ रही है। ऑडियंसेस की बात करें तो दोनों ही फिल्मों की जो ऑडियंस है, अगर सिंघम के ऑडियंस की बात करें तो उसमें कौन कौन से ऑडियंस आ रहे हैं, भूलभुलैया में कौन कौन से ऑडियंस दिखाई दे रहे हैं? भूलभुलैया में मोस्टली फैमिली है, 80% फैमिली है, और सिंघम में भी फैमिली है, 50-50% सिंघम में है, यंग जनरेशन ज़्यादा है इसमें, फैमिली कम है, ठीक है, बट भूलभुलैया में फैमिली ही है और यंग भी है। तो थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा यूथ ज़्यादा पसंद, हाँ यूथ एक्शन मूवी है तो यूथ ज़्यादा पसंद करता है, बट सिंघम का नाम है तो फैमिली भी आती है, ऐसा नहीं है, इस मूवी में दोनों लोग हैं। अच्छा, इससे पहले स्त्री 2 में हमने देखा था कि इस तरह की भीड़ दिखाई दे रही थी, दर्शक बड़ी संख्या में थे। स्त्री की बात अलग है, स्त्री की बात अलग है, स्त्री 1 महीना हमने हाउसफुल चलाया था और उसमें मतलब एक एक व्यक्ति 5-5 बार 6-6 बार देख के जाता था, तो स्त्री को और इसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। हर मूवी का अपना अपना कंसेप्ट होता है, अपना अपना पब्लिक ऑडियंस होता है, तो उस हिसाब से मूवी चलती है। इसी तरह की कुछ अभी क्राउड तो उसी टाइप का, आप तो देखे भी है, आप 3 बजे से अभी ये जो शो टूटेगा 12 बजे वाला, उसके बाद 3 बजे का देखिए क्राउड एकदम, हाँ तो क्राउड बहुत ज़्यादा है। दर्शकों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? हाँ, दोनों का। जो धारणा जो फिल्म क्रिटिक्स बनाते हैं कि 2 बड़ी फिल्में आ गई पर्दे पर तो एक पिट जाएंगी, एक ही चलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों ही फिल्मों को दर्शक उतना ही प्यार दे रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्रिटिक्स जो बोलते हैं वो होता है, क्रिटिक्स तो भगवान तो है नहीं, जो पब्लिक चाहेगी वही होगा, क्रिटिक्स के कहने से नहीं होता है। क्रिटिक्स क्या कहेंगे, हमारा विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन पब्लिक की विचार जो धारा होगी वही पब्लिक वही उसी को सुनेगा और उसी को मानेगा, क्रिटिक्स के कहने पर कोई नहीं जाता है। दर्शकों का रिस्पांस अच्छा? हाँ, दर्शकों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, हम लोग खुशी भी है कि बहुत दिन के बाद क्राउड
स्त्री के बाद ऐसा क्राउड देखने को मिला। थैंक यू। तो देखिए रीजेंट थिएटर के मैनेजर संजीव पांडे जी से बातचीत करें तो जहां तक कि कलेक्शन की बातें हो रही थी, लेकिन कलेक्शन तो ज़्यादा है सिंघम का कारण है, जैसा कि हमें बताया भी रीजेंट थिएटर के मैनेजर ने कि स्क्रीन्स ज़्यादा है सिंघम अगेन के पास, ऐसे में कलेक्शन भी ज़्यादा है और दर्शकों का रिस्पॉन्स जो है, दर्शकों का प्यार जो है वो दोनों ही फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।